यूट्यूब चैनल टेक्निकल जय। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल जय में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज देखेंगे हम एक ये छोटा सा पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, ठीक है। और आइए इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो अभी इसमें जो प्रॉब्लम है वो है ये स्विच ऑन नहीं हो रहा है, मतलब ये चल नहीं रहा है। तो आइए इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ओपन करते हैं इसको, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आपसे एक शिकायत है, आप वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब से और शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो आइए वीडियो देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको। जब तक हम खोल लेते हैं इसको, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो सॉर्ट आउट करेंगे हम, ठीक है। और इसको खोलना बड़ा इजी है, चार पेच होते हैं इसमें और चिमटी की सहायता से आप इस तरह से खोल सकते हैं। आप इसको छोटे मोटे स्पीकर को दोस्तों घर पे भी कर सकते हैं इजीली, अगर स्पेयर मिल जाए लोकल मार्केट वगैरह से परचेज करके। बाकी मैं आपको बता भी दूंगा कि ये कहाँ मिलता है और किस दुकान पे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों ये ओपन कर दिया है हमने और इसमें जो निकला है देखिए कुछ भी नहीं है, माइनर सा है, बस इतना सा ही छोटा सा सर्किट है। आइए पहले मैं आपको इसके बारे में इंट्रो दे देता हूँ। ये मेन पीसीबी है, इसकी जो मेन बोर्ड है इस पर ऑपरेट होता है, ठीक है। और ये इसके कुछ कनेक्टर्स हैं, ये पावर कनेक्टर्स हैं, ठीक है दोस्तों। और ये बैटरी है और ये एक स्पीकर लगा हुआ है छोटा सा, ये एक मिनी पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है जो ब्लूटूथ मार्केट में बिकता है। अभी जो इसमें प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि इसका स्विच, इसका जो स्विच है वो टूट गया है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम कि इसको एक स्पेयर में जो डिफेक्टिव था हमारे पास उसमें से हम इसको रिमूव किया है हमने। ये पीसीबी देखिए इसके ऊपर ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं लगा के कि क्या ये वर्किंग में है। अगर आपके पास भी ये पड़ा हो तो आप इसको लगा सकते हैं किसी भी सेम स्पीकर्स में से निकाल के, अगर नहीं है तो आप किसी भी लोकल मार्केट से परचेज कर सकते हैं। इस तरह के किट्स अवेलेबल हैं लोकल मार्केट्स में, लगाते हैं इसको। मैंने इसको किसी डिफेक्टिव स्पेयर में से निकाला है जो हमारे पास, निकाल के हम रख लेते हैं इसको। ये देखते हैं इसको फिट करना, इसके जितने भी ये स्विचेस वगैरह हैं वो थोड़ा आप ध्यान से कैरी करें कि कहीं अगर ये मिस हो जाते हैं, अगर ये प्लास्टिक बॉडी के स्विचेस मिस हो जाते हैं तो ये मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ये लोकल मार्केट्स में भी अवेलेबल नहीं है, या तो फिर इसका कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, काट पीट के लगाना पड़ेगा हमें, कटिंग करके एडजस्ट कर देंगे लेकिन प्रॉपर लुक नहीं आएगा। अभी जो हमने ये लगाया है ये हमारे पास एक स्पेयर में पड़ा हुआ था पीसीबी, तो इसका मेन बोर्ड, तो इसको हमने अटैच करके देख रहे हैं कि ये सही है कि नहीं। वैसे इसमें चल जाना चाहिए ये पीसीबी, क्योंकि जो उसमें से हमने निकाला था वो उसमें बैटरी की प्रॉब्लम थी, बैटरी हमारे पास था नहीं उसमें, तो हमने रखा था। ये इजीली लोकल मार्केट्स पे आपको मिल जाएंगे, 50 से 60 रुपए का प्लेट होता है दोस्तों, नियर बाई किसी भी उससे परचेज कर सकते हैं। देखिए हमने कनेक्टर्स वगैरह लगा दिया है और इसके हम चार्जिंग पॉइंट्स में अडेप्टर को 5 वोल्ट अडेप्टर इन कर रहे हैं और देखेंगे कि ये ऑन हुआ कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों रेड कलर की लाइट जल रही है, ये ऑन हो गया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों ये ऑन हो गया है, हमने लाइट बंद करके दिखाया है, अब इसको हम चला के देखेंगे, ठीक है। तो इस पे तो कोई कंपनी का ब्रांड नेम वगैरह तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ये किस कंपनी का है, बाकी देखते हैं। बट अभी इसको साउंड्स नहीं आया, एक बार फिर इसको अगेन खोल के चेक करेंगे कि कहीं इसका कोई वायर वगैरह हमने गलत तो नहीं लगाया या टूट तो नहीं गया पैकिंग करते समय। तो वो हम अभी करके देख लेते हैं, एक बार दोबारा रीओपन करेंगे, कनेक्टर्स को दोबारा चेक करेंगे
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अगर ये मोस्टली अगर ये ठीक होता है तो साउंड आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं इसमें क्या इश्यू आ रहा है। ये वैसे डीसी पे ऑन तो हो रहा है, ये कुछ बोल रहा है, पता नहीं कौन सी कंपनी का नाम बोल रहा है, थिंक तो इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम फाउंड हुआ है। ठीक है ना, इसके इसके स्विचेस में देखिए देखिए दोस्तों, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि देखिए, हम जब इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होता है प्रॉपर तरीके से, जिसका प्रॉब्लम है कि इसके अंदर का जो ग्रीस होता है, डस्ट होता है इसके अंदर, वो इस स्विच पे लग गया है, इसकी वजह से ऑन नहीं हो रहा है। अभी हमने एक बार ऑन किया, नहीं ऑन हुआ, लेकिन स्विच को हिलाने पर LED ब्लिंक कर रही थी। तो इसमें हम थोड़ा सा, ये जॉरिक करके आता है मार्केट में, जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ, जिससे जंग छूटता है। इसको हम लेके इसमें थोड़ा सा डाल देंगे, इसमें जितने भी स्विच के अंदर डस्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं इससे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पे बने रहें, पूरा पूरा वीडियो देखें, और ये छोटे मोटे फॉल्ट आप घर पे भी ठीक कर सकते हैं। अगर कोई सपोर्ट चाहिए होगा तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोई जेब्रोनिक्स बोल रहा है, तो ये ऑन हो गया है। ठीक है, अब इसको एज इट इज़ पैक कर देंगे, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम इसमें भी फाउंड हुआ है, इसमें स्विच की ही दिक्कत थी, लेकिन ये स्विच सक्सेस था। हम चाहते तो उस इस डिफेक्टिव PCB पे एक मार्केट से स्विच परचेज करके लगा सकते हैं, जो ये टूट गया है, ये टूट गया है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास ये स्विच अवेलेबल नहीं है और मार्केट जा नहीं सकते, तो हमारे पास सेम पीस पड़ा था, तो हमने सीधा प्लेट ही बदल के देखा, तो उसमें भी स्विच की दिक्कत थी, लेकिन उसमें W40 डाल के हम चला सकते हैं, या जोरिक डाल के चल गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब एक बार चेक कर लेते हैं इसको, ब्लूटूथ से बजा के कनेक्ट करके देख लेते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। Zebronics for life. अब ये ब्लूटूथ मोड पे है, और हमने फ़ोन को सर्चिंग पे लगा रखा है, ये देखिए, और यहाँ पर डिवाइस शो करेगा अभी, फिर ये डिवाइस शो कर रहा है। दूसरा फ़ोन हमने आपको दिखाने के लिए लगाया है, अभी दोस्तों इसमें ना मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा है हमें, मतलब ब्लूटूथ नहीं शो कर रहा है, तो हम किसी दूसरे फ़ोन से ट्राई करेंगे, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट अभी तो ये ऑन हो गया है, फिर भी एक बार हम ट्राई करेंगे किसी दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करके, देखेंगे इसको कि ये चल रहा है कि नहीं। दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने सिंपल सा एक प्लेट चेंज किया है, या स्विचेस भी चेंज कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, और ये ऑन तो हो गया है, लेकिन ब्लूटूथ शो नहीं कर रहा है। मिट में भी हो सकता है, इस PCB को जो हमने इसमें लगाया है, इसमें भी हो सकता है कि ब्लूटूथ IC ख़राब हो इसकी। फिर भी एक बार हम दूसरे फ़ोन के साथ पेयर करके देखेंगे कि मतलब उसमें शो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कई मोबाइल फ़ोन्स भी ऐसे आते हैं जिसमें वर्जन का फ़र्क आता है, जिस वजह से मतलब आप ये कह सकते हैं कि 5 फ़ोन में ये स्पीकर वर्किंग चलेगा, लेकिन 1-2 फ़ोन में नहीं चलेगा। तो ऐसा हम दूसरे ब्लूटूथ, ये हमने एक दूसरा फ़ोन लिया है, इसका ब्लूटूथ ऑन किया हमने, और देखेंगे कि इसमें वो डिवाइस शो कर रहा है कि नहीं। इसको हम एक बार सर्च कर लेते हैं, अभी इसके सर्चिंग पे है ये, अभी भी नहीं शो कर रहा है।
ठीक है दोस्तों, अभी भी नहीं शो कर रहा है। खैर अगर इस पे नहीं शो कर रहा है तो हम एक बार इसको, अब हमारे पास दो से ज़्यादा फ़ोन तो नहीं है, एक बार हम इसको ऑक्स मोड के साथ बजा के देखते हैं या एफएम मोड पे देखेंगे ये एफएम मोड चल रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये सुन सकते हैं साउंड, एफएम मोड चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको चेक कर लेंगे किसी दूसरे उसके साथ कि ये ओके हुआ कि नहीं दूसरे फ़ोन के साथ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।